हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका बड़ा उद्देश्य यही होता है कि परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएं, लेकिन व्यापक या अंतिम उद्देश्य यह होता है कि वह हमें जीने लायक बनाए और हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करे। अर्थात डॉक्टर या आईएएस आईपीएस जो भी आपका बनने का उद्देश्य है वह आपको बनाकर ही छोड़े। हम स्कूल कॉलेज में जो कुछ भी पढ़ते हैं ना वह कच्चा माल होता है। जिस तरह फैक्ट्री में चीनी बनती है, लेकिन चीनी बनाने के लिए कच्चा माल जिसे हम गन्ना कहते हैं उस गन्ने का उपयोग किया जाता है और इसी से शक्कर बनता है। इसमें गन्ना एक सूचना का काम करता है और फैक्ट्री सूचना को ज्ञान में परिवर्तित करने का काम करता है और अंत में हमें जो शक्कर प्राप्त होता है वही हमारा अंतिम उद्देश्य यानी कि प्रज्ञा होता है। सूचना, ज्ञान और प्रज्ञा ये तीन ही मुख्य चीजें हैं जिससे स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट आईएएस आईपीएस या कुछ भी बन जाते हैं। नंबर वन, सूचना। जब हम किसी भी विषय को पहली बार पढ़ते हैं तो वह हमारे दिमाग में सूचना के रूप में जाता है। कोई भी जानकारी शुरू में सूचना ही होती है, फिर चाहे वह आपको यह जानकारी पढ़ने से मिला हो, सुनने से मिला हो या देखने से मिला हो, हम पढ़ते जाते हैं और हमारे दिमाग में सूचनाओं का ढेर लगता जाता है। इसे ही हम पढ़ना समझ लेते हैं। शुरुआत में जब हम किसी सरल सब्जेक्टों को पढ़ते हैं, जैसे समाज विज्ञान को हम पढ़ते हैं, तो उनके तथ्य काफी सरल होते हैं, तो हमारा दिमाग उन्हें आसानी से समझ लेता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। सरल और ताजी बातें तो कुछ वक्त तक तो दिमाग में रह जाती है, लेकिन आपने खुद ही अनुभव किया होगा कि कुछ दिनों बाद या तो धुंधली पड़ जाती है या फिर गायब भी हो जाता है। क्या आपको मालूम है ऐसा क्यों हुआ है? मैं बताता हूँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने पढ़ी हुई बातों को केवल सूचना के स्तर में ग्रहण करके छोड़ दिया। उसे आपको आगे तक ले जाना है, मतलब ज्ञान में परिवर्तित करना है उसको। नंबर टू, ज्ञान। हम सबसे यही गलती होती है कि हम सूचना को ही ज्ञान समझने की भूल कर बैठते हैं। जब हम किसी बीज को जमीन पर उगाने के लिए लगाते हैं तो क्या हम उसे ही पौधा या पेड़ समझ लेते हैं? नहीं, क्योंकि उसको अंकुरित होने में समय लगेगा, उसे सींचना पड़ेगा और उसकी देखभाल भी तो करनी पड़ेगी, तभी तो वह पेड़ पौधा बनेगा। ठीक इसी तरह सूचना को भी सींचना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, तभी तो वह ज्ञान के रूप में परिवर्तित होता है। सूचना का मतलब है रेत पर पड़े हुए पैरों के निशान जो बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं, और ज्ञान का मतलब है चट्टान पर पड़े हुए पैरों के निशान जिन्हें गायब होने में सदियां लग जाती है। वैज्ञानिक एपिंगहॉस ने पढ़ा हुआ याद रखने के लिए या सूचना को ज्ञान में बदलने के लिए एक आसान तरीका बताया है। सूचना को ज्ञान में बदलने के लिए एक ही टॉपिक को कम से कम 3 से 4 बार दोहराएं। 24 घंटे बाद उसे इस तरह से पढ़ें जैसे आप पहली बार उसे पढ़ रहे हो। सुबह उसे और स्पीड से पढ़ें। 1 महीने बाद उसे फिर से ध्यान से दोहरा कर पढ़िए। ऐसा करने से कोई भी सूचना आपके दिमाग में ज्ञान के रूप में तब्दील हो जाएगी, बस जाएगी। नंबर 3, प्रज्ञा। इसका उदाहरण वीडियो के शुरुआत में मैंने दे दिया था, गन्ना से शक्कर बनाने वाला उदाहरण। अर्थात आप जो भी कोर्स पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसका अंतिम उद्देश्य है आपका कुछ बन जाना, और ये तभी संभव है जब आप सूचना को ज्ञान में बदलेंगे और ज्ञान को एक्सप्लोर करेंगे। अर्थात आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसको अपने डेली लाइफ से रिलेट करके समझेंगे। जिस तरह हर मकान की नींव होती है, हर शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, उसी तरह हर विषय का कॉन्सेप्ट होता है। इसलिए ऐसे पढ़ो कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। कई चीजें समझ में ना आए तो दिमाग में मॉडल बनाए। जैसे आपको सामंतवाद को समझना है तो गांव के जमींदार का मॉडल ले आए। यदि आपको प्रशासन समझना है तो अपने दिमाग में किसी भी सरकारी दफ्तर का मॉडल ले आए। इस तरह आप मॉडल बनाकर पढ़िए। इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। दोस्तों याद रखिए कि महात्मा गांधी ने कहा था कि संतोष प्राप्ति में नहीं, संतोष प्रयास में होता है। पूर्ण प्रयास कीजिए, पूर्ण प्रयास से ही पूर्ण विजय प्राप्त होता है। सूचना को ज्ञान में परिवर्तित करना सीखिए, तभी आप अपनी प्रज्ञा यानी अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाओगे। मैं आशा करता हूं दोस्तों इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।